जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। दोस्तों अभी हम शिरडी में हैं, शिरडी साईं बाबा मंदिर में दर्शन करने के लिए। और उसके आगे आप देख सकते हो कि मंदिर में सुबह से कोई भीड़ जमा होने लगती है। इंडिया में से हर जगह से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है पेड़ पास कम जो है आप पास के दर्शन करने के लिए यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा मंदिर में सुबह में भीड़ होती है। यहाँ से सब लोग लाइन में दर्शन करने के लिए जाते हैं। अरे चला चला, यहाँ से तिलक लगा रहे हैं। मिलेगा दोपहर में 10-11 बजे आओगे तो आपको यहाँ पे जगह भी नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुबह से ही लोग साईं बाबा के दर्शन करने के लिए लाइन में अंदर जैसे में जा रहे हैं। ये पूरा यहाँ से लेके उधर तक ये पूरा लाइन है। आप देख सकते हो अभिषेक पूजा टाइमिंग क्या है यहाँ पे। फर्स्ट बैच सुबह 7 से 8 बजे तक, सेकंड बैच 9 से 10 बजे तक अभिषेक, और थर्ड बैच जो है वो 12 बजे तक आप साईं बाबा की अभिषेक और पूजा वो कर सकते हो। यहाँ पे जो है मेन गेट नंबर 2 एंट्रेंस, वहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्री शूज स्टैंड है। यहाँ पे मोबाइल रख सकते हो। यहाँ पे रूम हॉल एंड लैपटॉप बुकिंग ऑफिस भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे फ्री शूज जो है वो अंदर जाके आप जो भी रख सकते हो। यहाँ पे जो रूम जो डिवोटीज है उनके लिए यहाँ से संस्था वर्ड लगाया गया है। यहाँ पे जो बोर्ड लगाया गया है कि जितने लोग कब मिसिंग हुए थे, तो ये जो सिटी पुलिस स्टेशन के डिपार्टमेंट लगाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका मोबाइल फ़ोन जो भी है वो आप स्विच ऑफ करके यहाँ पे रख सकते हो पीछे की ओर। वो अगर आपको यहाँ पे जो साई उद्यान है वहाँ पे अगर आपको ठहरना है तो वहाँ से आप नॉर्मल 100 रुपीज़ जो से आप ले सकते हो। मंदिर में मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाने की रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम वहाँ पे आपको मंदिर का तो दर्शन नहीं करवा सकते, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा जो मंदिर है यहाँ पे शिरडी साईं बाबा के, वो आप दर्शन ज़रूर कर सकते हो। सेवा का मंदिर के बाहर ही बनाए हुआ है। भगवान तो हर जगह पे है, तो जो भाई भक्त जो है वहाँ पे 2-3 घंटे लाइन में नहीं खड़े रह सकते, वो वहाँ से भी दर्शन करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरा जो रास्ता है पूरे दिन ऐसे फूल पैकिंग मिलता है। यहाँ से आपको शनि सिंगापुर के लिए भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे शनि सिंगापुर, शनि सिंगापुर जाने के लिए ट्रावेल जीप टैक्सी ऐसे बहुत सारी चीज़ सेवाएँ उपलब्ध है। यहाँ से नासिक चंबलपुर के लिए भी आपको बहुत सारे ट्रैवल एजेंट मिल सकते हैं। नासिक यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आया हुआ है। वैसे शिरडी में आपको रहने के लिए बहुत सारी होटल्स यहाँ पे मिल जाएगी,
तो उसमें हर जगह पे ऐसा ये राखी पिलग्रिम्स इन और ऐसे बहुत सारे होटल्स होंगे, होटल नीता और ऐसे बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। यहाँ पे करीबन एवरेज होटल का रेट होता है 2 से 3 हज़ार रुपया पर रूम। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का होटल चाहिए तो उससे हायर प्राइस में भी जा सकते हो, लेकिन 2 से 3 हज़ार में जो रूम लगे वो आपको कंफर्टेबल भी होगा और गर्म पानी की सुविधा भी आपको मिलेगी। मैंने एक वीडियो में साई बाबा इंटरनेशनल होटल का भी रिव्यू वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे जो रुके थे डोरमेट्री में, तो उसका भी आप वीडियो देख सकते हैं।